अमेरिकन पोएट्री अर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट अमेरिकन पोइट्री के तहत वर्ल्ड विटमेन्स आई एम सिक्यूर्स ओके ये जो आपके सिलेबस में अमेरिकन पोएट्री है ओके uh, एंड okay? इसके बाद ये ड्रामा और अमेरिकन पोइट्री एमिली डिकिनसन कम्प्लीट हो चुका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट्री में हमारे आ रहे हैं और ऐसे ही इन टॉपिक्स को हम आगे भी कवर करेंगे स्टूडेंट ये आपके थ्री मेन रहे थे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एमिली डिकिंसन एंड वर्ल्ड विटमेन इनकी बायोग्राफी एंड एम सी क्यू ऑलरेडी अपलोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमली टिकिसन बायोग्राफी एंड एम सी क्यू ऑलरेडी गिव है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इनकी बायोग्राफी एंड आज इनका जो एम सी क्यू हम लोग कवर करेंगे वो ओके तो शुरू करते हैं हमारे वर्ल्ड विट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल जैसा कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं लेवल ज़्यादा डीप नहीं आता है इनके जो मोस्ट फेमस वर्क के हैं उनसे जुड़े एक दो फैक्ट जुड़े ही रहते हैं ठीक है हर किसी के लिए जैसे कि एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है जो बाकियों पे अप्लाई होता है पर वो फैक्ट उन्हीं के लिए ही होते हैं वो फैक्ट पे फोकस कर लेना आपके लिए रहेगा वो पब्लिशिंग ईयर या फिर उससे कूड़ा कुछ जुड़ा हुआ कुछ अच्छा सा पॉइंट जो कि मैं आज आपको बताऊंगी और डीप कैसे आते हैं वो जो नेट में आए हैं वो भी एक दो आपको क्वेश्चन दिखा दूँगी क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं तो आप देखें बायोग्राफी पढ़ने के बाद कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ओके okay? चलिए बायोग्राफी पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सब पता है एक कॉन्फिडेंस जो है ठीक है वो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन इज वट इज द कॉमन नेम फॉर वट फाइनल एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश इन एटीन नाइनटी वन वॉल्ट विटमैन का जो पूरा नाम है दैट इज़ वॉल्टर विटमैन ओके एट्टीन अब यहाँ जो पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उसका फाइनल एडिशन कब पब्लिश होता है 1891 में और कहीं कहीं 92 भी लिखा है स्टूडेंट और इसका नेम क्या है उस फाइनल एडिशन का क्या टाइटल है दैट इज़ डेथ बेड ऑफ डेथ बेड एडिशन क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका फर्स्ट एडिशन आता है 1855 में बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है इनका ये वॉल्टर विटमैन वॉल्ट विटमैन विच ऑफ विटमैन कंटेम्प्रेरी फेमसली प्रेज्ड लीव्स ऑफ ग्रास अब इनके कंटेम्प्रेरी इनके समकालीन पोइट राइटर ने इनको प्रेज किया इनके वर्क को लीव्स ऑफ ग्रास को अप्रिशिएट किया और क्या बोला द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डनरी पीस ऑफ वेट एंड विजडम अमेरिका हैज़ यट अभी तक का जो भी था मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क ओके okay, ये बोला है रैल्फ वेल्डो एमर्जन ने इनके लिए ओके okay? तो ये इनके कंटेम्प्रेरी हो गए एमरजन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज वॉल्ड विटमैन बॉर्न जन्म हुआ इनका लॉन्ग आईलैंड न्यूयॉर्क वेस्ट हिल्स यू एस ओके वेस्ट हिल लॉन्ग आईलैंड न्यूयॉर्क यू एस ये हो जाएगा और कब हुआ है एटीन नाइनटीन अट्ठारह उन्नीस ओके okay, अठारह के बाद उन्नीस ऐसे आप याद कर लो ट्रिक बना के इन वट ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ़ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड कब हुआ है 1855 में हुँ. वर्ल्ड विटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ एन एलोजी ऑफ अब जैसे कि इनके वर्क से क्वेश्चन आ रहा है इनके वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास क्रॉसिंग बुक लिन फेरी उसमें जो और इंपॉर्टेंट पोयम्स हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पैसेज टू इंडिया वैन लाइलेक डास्ट इन डोरिया ब्लूम्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वर्क से यहाँ से ये जो फैक्ट है एक होता है पैटर्न सब जगह अप्लाई हो जाता है वो बॉर्न डेथ सबका पूछ लेते हैं वर्क ईयर सेंचुरी कंट्री सबका ही पूछ लेते हैं तो दैट इज़ मैं कहते ना ये पैटर्न आप सभी पे अप्लाई कर लेना यह सबके लिए बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बट ये है फैक्ट वाला क्वेश्चन जो सिर्फ इसी वर्क पे फिट होगा कि वॉल्ट विटबेन ओ कैप्टन माय कैप्टन जिनकी एलर्जी वर्क है पोएम है वो इन्होंने लिखी है एलर्जी है किसी की डेथ पर लिखी जाती है एब्राहम लिंकन ओके इनका एसेसिनेशन हुआ था हत्या हुई थी तो उसके बाद इनके लिए इन्होंने ये एलर्जी लिखी थी शोक गीत एलर्जी को डर्ज भी कहते हैं स्टूडेंट डर्ज ओके लिटरेरी फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो ये पोयम नेम याद रख लेना ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन एक एलर्जी है औ, और इन्होंने किसके लिए लिखी थी अब्राहिम लिंकन के लिए अमेरिका के सिक्सटीन प्रेसिडेंट सोलहवे राष्ट्रपति एल एजी तो ओ कैप्टन माय कैप्टन कैप्टन इन्होंने किसको बोला है अब्राहम लिंकन को बोला है इसमें जो शिप होती है अब कैप्टन है वो शिप के कैप्टन है वो शिप क्या है डेमोक्रेसी ऐसे बनते हैं क्वेश्चन इसके ओके वाल्ट विटमेंस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो उनकी पोएम है इंक्लूड कहाँ है वो लीव्स ऑफ ग्रास में लीवस ऑफ ग्रास जो कलेक्शन पब्लिश हुआ है इनका उसमें सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ इनकी पोएम मिल जाएगी हमको नेम इसका कंसिडर कर लेना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाई वॉल्ड विटमैन वॉल्टर विटमैन इनका फुल नेम है इन्होंने खुद को पोइट ऑफ बॉडी कहा है एंड आई एम आई एम पोइट ऑफ बॉडी आई एम पोइट ऑफ सोल ऐसा इन्होंने खुद को कहा है एंड एजरा पाउंड जिन्हें इनको कहा है अमेरिकाज़ पोइट अमेरिका का पोइट ही इज़ अमेरिका ऐसा किसने बोला है इनको एजरा पाउंड ने बोला है है ना लीव्स ऑफ ग्रास से ही ये मोस्ट फेमस कंसिडर किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका ये है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे इन इन द ओपनिंग स्टैंडा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विचमैन बिगेन्स हेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एट द एज ऑफ देख लीजिए जैकि बताते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के इंस्टेंजा में कि इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एज रहता है थर्टी सेवन स्टूडेंट अब ये थोड़ा डीप लगा ना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये देखिए कहाँ आया क्वेश्चन आया है इस तरह से पर नेट में तो आप देख लेना पी में भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ऐसी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ठीक है बिल्कुल आपसे उनको रिसर्च अध्ययन नहीं कराना है बस आपको नॉलेज देखना है कि आपको ये नॉलेज है बिकॉज जब आप आके आपको टीचर बनना है तो जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे और वर्ल्ड विटमेन की कोई पोएम सिलेबस में रही तो जब आपके सामने वो पढ़ाने के लिए आए एंड आप सेम टाइम वर्ल्ड विटमैन का सारा चिट्ठा अपने बच्चों को बता सको ठीक <laughs> है इसलिए हमको इतना पढ़ाया जाता है कि इतना अच्छे से पढ़ लो हालाँकि होमवर्क करके सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन ये ऐसा है कि आप पहले ही इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो लो द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव ये कोटेशन है ओके और ये आप कोटेशन आपको कहाँ मिलेगी तो यही पूछा गया है इसमें देख लेंगे इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ ओके ऑप्शन नंबर डी सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ में मिलेगी हमको ये कोटेशन द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज़ लव बाकी जो अदर ऑप्शन हैं वो भी इन्हीं के ही वर्क हैं ओ कैप्टन पॉम नायक पैसेज टू इंडिया ओके नेट में आ रखा है ऐसा क्वेश्चन अलग सी कोटेशन है देखिए हु इज़ नोन एज अ बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है इनमें से वॉल्ट विटमेन को कहा जाता है आई हेयर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक ये जो है वर्क इनका एक लिरिक है इसका जेनर की यदि बात कर लें लिरिक है किस टाइप का लिरिक है मिस्टेक एमरोस रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी या पैट्रियोटिक देशभक्ति तो ये पैट्रियोटिक है इसका करेक्ट आंसर है ए पैट्रियोटिक आई हीयर अमेरिका सिंगिंग बाय वॉल्ट विटमैन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड अचुरल ग्रोथ वर्स वर्थ ने कई तरह से वर्स वर्थ को नेचर पोइट कहा जाता है बट हियर स्टूडेंट इस इसका करेक्ट आंसर विटमैन है जो बता रहे हैं कि लाइक जैसे ट्रीज़ और श्रब्स जितना भी नेचर है उनका सेल्फ ग्रोथ होता है ख़ुद का नेचुरल ग्रोथ होता है ऐसा ये आंसर इसका विटमैन है इसका करेक्ट आंसर डी इनकी ये ओपिनियन रही है वॉल्ट विटमैन इज़ अ पोइट ऑफ विच सेंचुरी सेंचुरी इसकी पूछ ली गई है नाइन्टीन सेंचुरी को ये बिलोंग करते हैं इनका लाइफ स्पैन है एटीन नाइनटीन से लेकर एटीन नाइन्टी टू तो ये नाइनटीन सेंचुरी के माने जाएंगे ओके okay, नाइनटीन सेंचुरी में कौन कौन सा साल कंप्लीट होता है अट्ठारह सौ से लेकर उन्नीस सौ तक का ऐसे ये थोड़ा सा लॉजिक समझ लेना जिनको नहीं पता है पता है तो अच्छी बात है तो उसी हिसाब से ये नाइनटीन सेंचुरी में आ जाते हैं एंड सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाई अब देख रहे हैं आप लीव्स ऑफ ग्रास सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ यही छाए रहे हैं एग्जाम में देखिए यही आए हैं तो सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ इज़ अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर एक बार भी उस राइटर को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना उसका एक आध वीडियो देख लिया या खुद से बुक पढ़ ली बुक में उसके बारे में पढ़ लिया तो भी आप आंसर लगाया होगा क्योंकि ये तो क्लिक हो ही जाएगा आपको कि हाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमेन का है भले ही आपको इनका ईयर सेंचुरी याद ना रहे बाकी वर्क्स याद ना रहे पर ये एक बार रह जाते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ अ लाइन फ्रॉम वर्ल्ड विटमैन तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा वर्क इनका देखिए ऑप्शन नंबर डी सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ जो कि पब्लिश हुआ था 1855 में इन लीव्स ऑफ ग्रास में ये जो पोयम है ये लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में पब्लिश हुई थी एल जी लीव्स ऑफ ग्रास बाय वॉल्ट विटमैन और उसमें ये कोटेशन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन विटमैन पोयम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन अब इस ये वर्क पे आप फोकस करें वर्क नेम दैट इज क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी ओके okay, और ये जो वर्क है इसमें इसके एडिशन पूछ लिए गए हैं नाइन एडिशन है स्टूडेंट इसके नाइन नाइन सेक्शन है कंटेंस हाउ मन सेक्शन पोएम्स होती है uh, कई सेक्शन में लिख दी जाती है तो इसके कितने सेक्शन है टोटल नाइन सेक्शन है और वर्क नेम इज़ क्रॉस से ब्रुकलिन फेरी और लीव्स ऑफ ग्रास के जैसे मैंने आपको एडिशन बताया है नाइन uh, कही कहीं नाइन लिखे गए स्टूडेंट कहीं सिक्स लिखे गए हैं तो उस पर कंफ्यूजन रहता है लीव्स ऑफ ग्रास के कितने एडिशन आए हैं थोड़ा सा इसको समझ के चलना नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप इन विटमस ओ कैप्टन माय कैप्टन रिफर्स टू शिप क्या है पूछो ना अब कैप्टन है तो वो जो कैप्टन है दैट इज अब्राहम लिंकन जिनके लिए इन्होंने ये लिखी एलर्जी वो कैप्टन एक शिप के तो वो शिप को पूछ लिया गया है आंसर इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को शिप बता रहे हैं लोकतंत्र विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमन इनमें से किसका इन्फ्लुएंस um, था विटमन पर क्या दैट इज एमर्जन से ये काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने ही तो तारीफ करी थी ना इनकी लीव्स ऑफ ग्रास को प्रेज़ किया था वॉट इज़ द मेजर सिंबल इन विटमेंस सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये जो पोयम है स्टूडेंट लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई है मैं बार बार बता रही हूँ आप लोग लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिकेशन में हुआ है ये पोएम पब्लिश कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास तो इसमें मेजर सिम्बल क्या है सॉन्ग ऑफ़ माई सेल्फ में वो भी द ग्रास ही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हुज़ डैथ डस वेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरियल्ट ब्लूम्स कमरेट कमरेट पीस होता है याद करना ओके okay? मेमोराइज करना स्मरण करना तो किसकी डेथ को याद कर रहे हैं वेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरियार्ड ब्लूम्ड में ये पोएम नेम है इनका ओके लिंकन अगेन एब्राहम लिंकन के लिए इन्होंने दो वर्क लिखे हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन दोनों ही एलर्जी हैं और ये भी वैन लाइलेक्स लास्ट इन द डो ब्लूम ये भी इन्होंने लिंकन के लिए स्टूडेंट लिखा है एब्राहम लिंकन जी के लिए ओके उनकी डेथ के बाद असेसिनेशन के बाद सैड पोयम सैड पोयम एलर्जी डर्ज सब सेम बात है पीजीटी में देखिए आ रखा है क्वेश्चन मोर्निंग द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन मोर्न कर रहे हैं ये विलाप कर रहे हैं एक पर ग्रेट मैन की वो डेथ वो व्यक्ति कौन है डेट इज़ एब्राहम लिंकन ये देखिए यही क्वेश्चन आ रहा है इनके लीव्स ऑफ ग्रास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ओ कैप्टन लाइ लास्ट वाला विच वन ऑफ दी इज़ नॉट अ पोयम बाय वॉल्ट फिटमैन इनमें से कौन सी पोएम इनकी नहीं है डिस्टेंट लाइकनेस इनकी नहीं है बाकी हमको पता ही है ये हो गई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड लीव्स ऑफ ग्रास ये सब इन्हीं का ही वर्क है फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैंस आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन ये लाइन कहाँ से ली गई है अच्छा तो इसमें ऑप्शन नहीं है मैं ऑप्शन बता देती हूँ अदरवाइज आप लाइन देखिए ओ ओ, 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 ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार ओ शेड्स ऑफ नाइट ओ मोडी टीयरफुल नाइट ये फॉलन स्टार ये यहाँ पर उन्हीं को बोल रहे हैं अब्राहम लिंकन जी को जिनके लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था उसकी जहाँ की ये लाइन है दैट वर्क इज पोएम पूछा है ना वेन लाई लाइक लास्ट इन द डोर ब्लूम इसका करेक्ट आंसर है ये जो कोटेशन है ओ पावरफुल वो आपको इस पोयम की लाइन है ओके वेन लाइलैक्स लास्ट इन डो याड ब्लूम्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम लीव्स ऑफ ग्रास लीव्स ऑफ ग्रास किसका है वॉल्ट विटमिन वॉल्टर विटामिन इन विच फेमस पोयम डज वॉल्ट विटमेन मेक अ रेफरेंस टू स्वेज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक कौन सी पोएम में ये बता रहे हैं so, सुस्ट कैनाल और इनका वायर लाइन्स का अक्रॉस द अटलांटिक का रेफरेंस दे रहे हैं अपनी कौन सी पोएम में इनमें से पैसेज टू इंडिया स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज पैसेज टू इंडिया ओके अमेरिकन पोइट वॉल्ड विटमैन पैसेज टू इंडिया इंपॉर्टेंट वर्क इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज अब्राहम लिंकन दे मैं मैंने क्वेश्चन रख लिए जानबूझकर हाँ रिपीट हो रहे हैं बट आप देखेंगे कि क्वेश्चन आ ही रहे हैं यहीं से इसलिए जो डीप क्वेश्चन के पूछ रहे हैं तो वो परेशान ना हो ताकि वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ डेमोक्रेसी पोइट ये कहलाते हैं पोइट ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी इनको कहते हैं तो ये नोन एज द पोइट ऑफ डेमोक्रेसी कौन हमारे वॉल्ट विटमैन तो आपके ये हो गए टोटल क्वेश्चन ट्वेंटी स्टूडेंट तो हमारे वर्ल्ड विटमेन लाइफ स्पैन इनका देख लेंगे एट्टीन नाइनटीन से लेकर एट्टीन नाइन्टी टू ओके अमेरिका वेस्ट हिल लॉन्ग आइलैंड में इनका जन्म है एंड इनका जो डेथ प्लेस है दैट इज़ केमलिन न्यू जर्सी यू एस में इनका डेथ प्लेस है स्टूडेंट इनके इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि हमने देखे हैं लीव्स ऑफ ग्रास ओ कैप्टन माई कैप्टन पैसेज टू इंडिया एंड वैन लाइलेक्स लास्ट इन द डोर ब्लोम्स आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट में ये भी इनका वर्क है एंड एनिमल्स ये भी इनका एक वर्क है इम्पॉर्टेंट है ओके okay? एनिमल्स ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना पोय इससे क्वेश्चन नहीं आया पर यहाँ बता देती हूँ मैं क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी पोयम्स इनकी है ड्रम टैप्स ओके और बाकी अमेरिका के पोइट ही इज़ अमेरिका इनको किसने बोला एजरा पाउंड ने बोला एंड मोस्ट फेमस इनका वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास जिसकी वजह से अगर एक एक लाइन में यह फेमस हो गए लीव्स ऑफ ग्रास वर्ल्ड विटमेन अमेरिकन पॉइंट पोइट एंड इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हमने देखे क्वेश्चन किस तरह से आए हैं प्रीवियस पेपर्स में तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डीप कैसे आएंगे डीप कहाँ जाके वो क्या सब पूछ लेंगे तो हमने देखे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शेयर ज़रूर करें इस लेसन को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन खुश रहिए पॉजिटिव रहिए जय हिंद